जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बोला था कि बोथ दीज फाइला आर वेरी इम्पॉर्टेंट, बाकी भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनको जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इनमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप लोगों ने जो है अपने आप को फुली प्रिपेयर किया है, इंशाल्लाह आप लोग जो है वो प्रिपेयर होके बैठे हैं, कॉपी पेंसिल आपके हाथ में है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको टाइम दूंगी, आराम से बोलूंगी, आप लोगों ने जो है वो सोच समझ के जो है वो जो है उसका ऑप्शन जो है उसको सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर वन, पोगोनोफोरा एंड वेस्टिमेंटिफीरा, Pognophora and Vestimentifera are included in Annelida and belong to the class. Option में A में है Polychaeta, B में Oligochaeta, C Hirudinea, D Achiriura. A पे Polychaeta, B Oligochaeta, C हायरेंडिनिया यानी हायरोडो और डी पे एचिरियुरा। क्वेश्चन नंबर टू, वर्म्स इन क्लास Polychaeta आर आल्सो नोन एज, वर्म इन क्लास Polychaeta आर आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए में है जी ऑप्शन सी वर्म, बी बॉटम वर्म, डी सी में बी जो है बॉटम वर्म, सी में डीप ओशन वर्म और डी में ऑल ऑफ दीज। फिर से ऑप्शन रिपीट कर देती हूँ, ए में सी वर्म, बी बॉटम वर्म, सी डीप सी वर्म, डी में ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर थ्री, एनिलिड आर called bristle worm because of presence of tiny chitinous bristles named as, annelid are called bristle worms because of presence of tiny chitinous bristles named as, A pe septa, B pedia, C ct ya phir D pe stiff feet। सेप्टा, पीडिया, सीटी, स्टिफ फीट। क्वेश्चन नंबर फोर, विद एक्सेप्शन ऑफ Coelom of most annelid is filled with phyllid which provide hydrostatic skeleton. With exception of Coelom of most annelid is filled with phyllid which provide hydrostatic skeleton. क्या वो लीच है ए पे, बी पे पोलिकीट, सी अर्थवर्म, डी क्लाइटीलेटा। लीच, पॉलीकीट, अर्थवर्म, क्लाइटीलेटा। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमने की है पिछले टेस्ट से, अगर हम कंपेयर करें लास्ट में जो है वो की होती थी और लास्ट में ही हम जो है वो आपके साथ आंसर शेयर करते थे, लेकिन अब हर स्लाइड के बाद आपके साथ आंसर शेयर करूंगी ताकि आप साथ साथ ही कंपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन जो है
Pognophora and Vestimentifera are included in Annelida and belong to the class, तो वो Polychaeta का member है, यानी वो कौन सी class है? Polychaetes, ये जो दो member हैं, ये Polychaetes के हैं. Question number two, worm in class Polychaeta are also known as deep ocean worm. जो Polychaetes के member हैं, वो deep ocean में पाए जाते हैं, उनको हम sea worm या bottom worm नहीं कहते, बल्कि deep ocean worm हम उसको बोलते हैं. तो बॉटम वर्म तो वो किसी के भी हो सकते हैं, तो इसका सी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर जो थ्री है, एनिलिड्स आर कॉल्ड ब्रिस्टल वर्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टिनी काइटनस ब्रिस्टल नेम्ड एज, उनको हम सीटी बोलते हैं, कि जो जो भी इन पर टिनी जो है काइटनस ब्रिस्टल लगे हुए हैं, चाहे वो पैरापोडिया पे लगे हुए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सीटी बोलेंगे. तो इसका सी ऑप्शन ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर, विद एक्सेप्शन ऑफ सिलोम ऑफ मोस्ट एनिलिड इज फिल्ड विथ फेल्योड विच प्रोवाइड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, तो लीच में नहीं है, बाकी सब में है. लीच में ब्लड बहुत ज़्यादा होता है और उसी से वो फुल हो जाती है, तो ये वैसे भी मस्क्यूलर नेचर की है, तो लीच में नहीं है, बाकी सब एनिलिड के मेम्बर में है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव, ओलिगोकीटा एंड लीच together form a monophyletic group due to the presence of clitellum which is a structure, yani inme clitellum dono mein hai, monophyletic hai, aur clitellum kya hai, kaun si structure hai? A pe hai digestive, B respiratory, C excretory, ya phir D reproductive. Question number six. In most annelids, the coelom develops embryonically as a split in layers. किसके split होने से coelom बनती है? A पे mesoderm, B endoderm, C ectoderm, या फिर D blastoderm. Question number seven, the largest class of annelids is with 10,000 species. बहुत आसान, largest class annelid की कौन सी है 10,000 species के साथ? A में है जी option polychaete, B में oligochaete, C में hirudinea और D में clitellata. Polychaete, oligochaete, hirudinea, clitellata. Question number eight, polychaete differ from other annelids due to the presence of well differentiated head and paired appendages called as A pe prostomium, B parapodia, C pygidium, ya phir D pe peristomium. Prostomium, parapodia, pygidium ya phir peristomium. आंसर देख लेते हैं इनके. क्वेश्चन नंबर फाइव का ये इतनी बड़ी जो कहानी दी है इन्होंने, उसमें वो जस्ट क्लाइटिलम बताना है कि उसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, तो वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. वो डाइजेस्टिव नहीं हो सकती, रेस्पिरेटरी नहीं हो सकती, एक्सक्रीटरी नहीं है, बल्कि वो क्या है, क्लाइटिलम इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और वो कोकून फॉर्मेशन करती है. और क्वेश्चन नंबर सिक्स का क्या है, इन मोस्ट एनिलिड द सिलोम डिवेलप एम्ब्रियोलिकली एज अ स्प्लिट इन, हमें पता है मेसोडर्म की लेयर जो है वो स्प्लिट करती हैं, मूव करती हैं, एक दूसरे से अवे जाती हैं और उनके अंदर दरमियान में
जो कैविटी बनती है उसे सिलोम बोलते हैं. तो इसका ए है वो एंडोडर्म नहीं कह सकते, एक्टोडर्म नहीं कह सकते, ब्लास्टोडर्म नहीं कह सकते. क्वेश्चन नंबर 7 जो है, लार्जेस्ट क्लास जो है वो पॉलीकीटा है. और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पैरापोडिया की वजह से पॉलीकीट बाकियों से डिफरेंट है. और किसी क्लास में पैरापोडिया नहीं है लेकिन पॉलीकीट में है. तो ये पेयर्ड अपेंडेजेस हैं और इनके ऊपर सीटी लगी हुई है. तो अब कंपेयर कर लिया है तो हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 हमारा नेक्स्ट पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 9 जो है, पेरिस्टोमियम सराउंड द माउथ एंड मे बियर इन प्रीडेटरी पॉलीकेट. पेरिस्टोमियम सराउंड द माउथ एंड मे बियर इन प्रीडेटरी पॉलीकेट्स. ए पे है सेंसरी पल्प, बी सीटी, सी काइटनस जा, काइटनस जार्स, या डी पे सीलिया. सेंसरी पल्प, सीटी, काइटनस जार्स या फिर सीलिया. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय पैरापोडिया अमंग पॉलीकीट्स. पैरापोडिया का क्या फंक्शन है? ए पे डाइजेशन, बी एक्सक्रीशन, सी कैप्चरिंग प्रे, या फिर डी गैशियस एक्सचेंज. डाइजेशन, एक्सक्रीशन, कैप्चरिंग प्रे या फिर गैशियस एक्सचेंज. क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म आर कॉल्ड एज डॉटर ऑफ सी, गॉड एंड गॉडेस. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म आर कॉल्ड एज डॉटर ऑफ सी, गॉड एंड गॉडेस. ए पे स्केल वर्म, बी फायर वर्म, सी ट्यूब वर्म, डी क्लैम वर्म्स. अगर आपने बुक स्टडी की है आप इसका आंसर दे सकते हो. बुक्स को पढ़ा है, मिलर एंड हार्ले को और हिकमैन को, तो आसानी से आंसर आप दे दोगे कि स्केल वॉर्म है, फायर वॉर्म है, ट्यूब वॉर्म है या क्लैम वॉर्म है. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, गोनेड्स ऑफ नेरिडिडी अपेयर टू बी टेम्परेरी स्वेलिंग ऑफ पेरिस्टोमियम एंड शेड देयर गैमीट्स इनटू. Gonads of nereidii appear to be temporary swelling of peristomium and shed their gametes into. किसमें shed off होते हैं? क्या A पे सिलोम में, B midgut, C surrounding water या फिर D nephrostome. हाँ जी, आंसर देखते हैं. पेरिस्टोमियम सराउंड द माउथ एंड मे बियर प्रीडेटरी पॉलीकेट्स. क्या? काइटनस जार्स. जाहिर है ये जार्स रखेगी तो ये प्रीडेटर को जो है, मैंने बताया था कि प्रीडेटर को कट करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए जार्स होते हैं, तो ये जार्स रखेगी, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय पैरापोडिया. तो गैशियस एक्सचेंज यानी रेस्पायरेशन. इसकी लोकोमोशन भी थी लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे जहाँ लोकोमोशन आएगी या गैशियस एक्सचेंज आएगा और बोथ आएगा कि ए एंड बी, तो फिर आप उस पर लगाएंगे क्योंकि इसके दोनों फंक्शन है. गैशियस एक्सचेंज भी करती है और ये लोकोमोटरी ऑर्गन भी है. और क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म आर कॉल्ड डॉटर ऑफ सी, गॉड एंड गॉडेस. ये स्केल वर्म को बोलते हैं और गोनेड जो है वो सिलोम में जाके गिरते हैं. कहाँ गिरेंगे वो? सिलोम में. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म कैन पंक्चर अ हैंड हु टच इट थ्रू अ पॉइजनस सेक्रेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म कैन पंक्चर अ हैंड हु टच इट थ्रू अ पॉइजनस सेक्रेशन. ऑप्शन में ए पे है फायर वर्म, बी पे क्लैम वर्म,
सी ट्यूब वर्म, बी पे स्केल वर्म्स। क्वेश्चन नंबर 14, आर फैदरी आर्म्स ऑफ फैन वर्म्स ऑफ द क्लास ट्यूब वर्म। कौन से इनके फैदरी जो है आर्म्स है फैन वर्म के, क्या ए पे वो रेडियुला है, बी पे रेडिकल है, सी पे रेडियोल्स है, या फिर डी पे सिलिएटेड ग्रूव्स है। रेडियुला, रेडिकल, रेडियोल्स, सिलिएटेड ग्रूव्स। क्वेश्चन नंबर 15, अर्थवर्म्स बिलोंग टू द क्लेड। क्लास नहीं है, क्लेड पूछा हुआ है। अर्थवर्म बिलोंग टू द क्लेड, ए पे क्लाइटीलेटा, बी साइबोग्लाइनिडिया, डी हाइरुडिनिडी और डी पे एच्यूरा, एच्यूरा। क्लाइटीलेटा, साइबोग्लाइनिडी, हरंडीनिडी और एच्यूरा। क्वेश्चन नंबर 16, एमाजोनियन हेमेंटीरिया, एमाजोनियन हेमेंटीरिया इज अ, एमाजोनियन हेमेंटीरिया इज अ, किसका साइंटिफिक ये नेम है। ए पे जेंट अर्थवर्म, बी जेंट लीच, सी जेंट पॉलीकीट या डी जेंट ट्यूब वर्म्स। जेंट अर्थवर्म, जेंट लीच, जेंट पॉलीकीट या फिर जेंट ट्यूब वर्म। आंसर देखते हैं। 13 पे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म कैन पंक्चर हैंड हु टच इट थ्रू अ पॉइजनस सेक्रेशन। तो मैंने ये डायग्राम भी जब बताई थी तो मैंने फायर वर्म का कहा था कि ये पॉइजन खारिज करता है अपने प्रे को जो है वो कैप्चर करने के लिए, और वैसे भी इसको जब हम हाथ लगाते हैं तो ये जो है वो पॉइजन खारिज करता है। 4 पे जो है कौन से फैदरी आर्म्स हैं इसके फैन वर्म के, उसे रेडियोल्स बोलते हैं। और 15 जो है अर्थवर्म बिलोंग टू द क्लेड क्लाइटीलेटा, तो ये क्लाइटिलियम की वजह से क्लाइटीलेटा इसे कहेंगे। और 16 का जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है, ये जेंट लीच का साइंटिफिक नेम है। जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज फाइलम एनिलीडा, कौन सा एनिलीडा का कैरेक्टर नहीं है। ए पे है बायलेटरल सिमेट्री, बी पे मेटानेफ्रिडिया, सी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डी पेयर्ड सीटी। बायलेटरल सिमेट्री, मेटानेफ्रिडिया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, पेयर्ड सीटी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड लार्जेस्ट लीच, बड़े अजीबोगरीब से साइंटिफिक नेम है। हेमेंटेरिया गैलियनी, हेमेंटेरिया गैलियनी ऑप्शन ए का। बी में है इरपोपडीला ऑक्टोक्यूलेटा और सी पे हिलोपडीला स्टेगनेलस, हिलोपडीला स्टेगनेलस और डी पे थीरोमाइजोन टिसलेटम, थीरोमाइजोन टिसलेटम। इसमें हम टाइम ले लें, पढ़ने में इतना टाइम लग गया है।
जी अगला इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ पॉलीकेटिस, जो पहला बॉडी का सेगमेंट है वो कौन सा है? ए है प्रोस्टोमियम, बी पेरिस्टोमियम, सी प्रोटोनेफ्रिडियम, डी नन ऑफ दीज। प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, प्रोटोनेफ्रिडियम, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, ओलिगोकीट्स आर एंड फीड ऑन फेलन एंड डिकेइंग वेजिटेशन। ओलिगोकीट्स आर एंड फीड ऑन फेलन एंड डिकेइंग वेजिटेशन, इसमें ए पे है हर्बीवोर्स, बी इंसेक्टिवोर्स, सी सक्वेंजर्स, डी कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स, इंसेक्टिवोर, सक्वेंजर्स एंड कार्निवोर्स। आंसर देख लेते हैं, 17 का था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज, तो फाइलम एनिलिडा तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं, मोलस्का होता तो उसका ओपन होना था, तो सी ऑप्शन इसका जो है वो इनके साथ मैच नहीं करता क्योंकि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और 18 का, कौन सा जो है वो लार्जेस्ट वर्ड, लार्जेस्ट लीच है, वो ऑप्शन ए पे हेमेंटेरिया गिलियानी। तो 19 का द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट प्रोस्टोमियम तो हो नहीं सकता, तो क्योंकि वो तो इसका जो है फ्लैशी लोब है, तो पहला जो है वो पेरिस्टोमियम है, तो इसके साथ जो है पिजडीमियम भी आ सकता था, अगला सेगमेंट उसका नाम भी आ सकता था, तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20, ओलिगोकीट आर, तो ये चूंकि डिकेइंग मैटर को जो है कर रहे हैं, तो फिर ना तो ये हर्बीवोर हो सकते हैं ना इंसेक्टिवोर, तो ये सिक्वेंजीवोर्स हैं, यानी ये क्या है, डिकेइंग को, डेड मैटर्स को ये जो है वो खाते हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ क्लास क्लाइटिलेटा, कौन सा उसके लिए ट्रू नहीं है? ए पे दे है पैराबोडिया, बी दे है फ्यू और नो सीटी, सी क्लाइटिलम फंक्शन इन कोकोन फॉर्मेशन, डी मोनोशियस विद डायरेक्ट डिवेलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, अर्थवॉर्म्स मूव विद द हेल्प ऑफ, अर्थवॉर्म किससे मूव करता है? ए पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, बी सर्कुलर मसल्स, सी सीटी या फिर डी ऑल ऑफ दीज। Longitudinal muscle, circular muscle, CT, all of these. Question number 23, oligochaete possess chloragogon tissue that act similarly टू द वर्टीब्रेट। क्लोरागोगन टिश्यू जो है ओलिगोकीट में वो किसके जो है वो सिमिलर है वर्टीब्रेट के, क्या ए किडनी के साथ, बी लीवर के साथ, सी हार्ट या डी पे स्टमक। किडनी, लीवर, हार्ट, स्टमक। क्लोरागोगन टिश्यू जो है वो किसके साथ मैच करती है? क्वेश्चन नंबर 24, इन लीच गैस एक्सचेंज अकर थ्रू स्किन एक्सेप्ट विच हैव गिल्स, बाकी जो है वो स्किन के साथ करती हैं, लेकिन कौन है जो लीच का मेंबर जो है वो गिल्स के साथ करता है? ए मेडिसिनल लीच, बी फिश लीच, सी ब्लड सकर्स, डी क्लाइंबिंग लीच। मेडिसिनल लीच, बी फिश लीच, सी ब्लड सकर्स या डी पे क्लाइंबिंग लीच।
आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. क्या चीज ट्रू नहीं है? क्लाइटिलेटा कभी भी पैरापोडिया नहीं रखता, वो सिर्फ पॉलीकीटा है. तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था. और क्वेश्चन नंबर 22, अर्थवॉर्म मूव विद द हेल्प ऑफ, उसमें मसल्स भी हैं, सर्कुलर मसल्स भी हैं, सीटी भी हैं, तो वो सबकी मदद से जो है वो मूव करता है. ऑल ऑफ दीज आएगा इसमें. और क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्लोरागोगन टिश्यू जो है वो लिवर के साथ जो है रिजेंबल करती हैं, तो ये इसका ऑप्शन बी आएगा. और 24, इन लीच गैस एक्सचेंज अकर थ्रू स्किन एक्सेप्ट विच हैव गिल्स. तो फिश जो है, लीच जो है, वो बी ऑप्शन जो है वो गिल्स रखेगा. बाकी जितनी भी लीच है वो अपनी बॉडी से, अपनी उसकी सरफेस से, बॉडी वॉल से जो है वो गैस को एक्सचेंज करवाती है. 24 क्वेश्चन पूरे हो गए. अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं. उसका 25th जो है क्वेश्चन, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ. सेगमेंट ऑफ एनिलेट वर्म्स आर एक्सटर्नली मार्क्ड बाय रिंग्स कॉल्ड एज. एनिलेट में सेगमेंट के अंदर फर्दर रिंग्स को हम क्या बोलते हैं? ए पे एनुलस, बी एनुलाई, सी एनुलर, डी एनुअल. रिंग्स को क्या बोलते हैं सेगमेंट के अंदर फर्दर जो है एनिलिड्स के अंदर? एनुलस, एनुलाई, एनुलर, एनुअल. क्वेश्चन नंबर 26, पॉलीकीट्स आर चीफली फाउंड इन हैबिटेट. पॉलीकीट्स आर चीफली फाउंड इन हैबिटेट. ए पे फ्रेश वाटर, बी ब्रैकिश वाटर, सी मैरीन वाटर, डी बोथ ए एंड सी. फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मैरीन वाटर, बोथ ए एंड सी. क्वेश्चन नंबर 27, टर्मिनल बॉडी सेगमेंट ऑफ एनिलेट बेरिंग एनल ओपनिंग इज नोन एज. टर्मिनल बॉडी एंड या टर्मिनल बॉडी सेगमेंट ऑफ एनिलेट्स बेरिंग एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग इज नोन एज. ए पे प्रोस्टोमियम, बी पेरिस्टोमियम, सी पिजीडियम, डी पेरिटोनियम. प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, पिजीडियम या पेरिटोनियम. क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैराफाइलेटिक क्लास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैराफाइलेटिक क्लास ऑफ एनिलिड. ए पे ओलिगोकीटा, बी पॉलीकीटा, सी हाइरुडिनिया, डी ऑल ऑफ दीज. ओलिगोकीटा, पॉलीकीटा, हाइरुडिनिया, ऑल ऑफ दीज. आंसर देख लेते हैं. 25 का जो है वो मैंने माइनर जो उसके अंदर लाइनिंग बोली थी, बहुत सारे रिंग्स का पूछा है, तो बी ऑप्शन एनोलाई आएगा. एनुलस एक को बोलते हैं. और पॉलीकीट आर चीफली फाउंड इन, तो वो मैरीन वाटर है. हाँ, इसके मेंबर फ्रेश वाटर में भी हैं, लेकिन चीफली पूछा हुआ है, यानी कि डोमिनेटली ये कहाँ पर है, तो ये मैरीन वाटर में है. और 27 टर्मिनल बॉडी जो सेगमेंट है वो उसका सी ऑप्शन है, पेजीडियम है. और विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैराफाइलेटिक क्लास, पॉलीकीटा बाकी से नहीं मिलती, इसलिए ये इसका कॉमन इंसेस्टर नहीं है बाकी उसे, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो पॉलीकीटा आएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 29, देयर आर ओवर लिविंग स्पीशी ऑफ मोलस्क. मोलस्क की टोटल कितनी स्पीशी है? ए पे है 70,000, बी 90,000, सी 50,000, डी 60,000.
यानी ये मोर देन है क्या, मोर देन 70,000 है, मोर देन 90,000 है, मोर देन 50,000 है, या मोर देन 60,000? क्वेश्चन नंबर 30, द नेम मोलस्का इंडिकेट वन ऑफ देयर डिस्टिंक्टिव करैक्टरिस्टिक, कौन सा करैक्टर है जिसकी बेस पर इसको मोलस्क बोलते हैं? ए शेल बॉडी, बी सॉफ्ट बॉडी, सी मस्क्यूलर फुट, डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 31, अरेक्टोबिस इज नेम ऑफ ए पे जेंट ऑक्टोपस, बी सी स्लग, सी जेंट स्क्विड, या डी पे जेंट स्नेल। जेंट ऑक्टोपस, सी स्लग, जेंट स्क्विड, जेंट स्नेल। क्वेश्चन नंबर 32, मच ऑफ मोलस्क एवोल्यूशन अकर अलोंग द शोर ओनली बाइवेल्व्स एंड मूव इनटू ब्रैकिश एंड फ्रेश वाटर। मच ऑफ मोलस्क एवोल्यूशन अकर अलोंग द शोर्स ओनली बाइवेल्व्स एंड मूव इनटू ब्रैकिश एंड फ्रेश वाटर। ए पे गैस्ट्रोपॉड, बी ऑयस्टर, सी क्लैम्स, डी मसल्स। हाँ जी, आंसर देखते हैं। 29 का जो है मोर देन 90,000, बी ऑप्शन। मोलस्क का जो है 90,000 से ज्यादा है स्पीशी। 30 जो है मोलस्क का नेम जो है हम उसकी सॉफ्ट बॉडी की वजह से देते हैं, तो बी ऑप्शन। और 31 अरेक्टोबिटी बस जो है वो किसका नेम है, वो जेंट स्किड, सी ऑप्शन। और मोलस्क जो है वो जैसे यहाँ पर ऑयस्टर भी फ्रेश वाटर है, क्लैम भी फ्रेश वाटर है, मसल भी फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश और ब्रैकिश वाटर का मेंबर जो है वो कौन होगा, वो गैस्ट्रोपॉड होगा। यानी गैस्ट्रोपॉड में बहुत सारे हैं जो फ्रेश वाटर में भी हैं और ब्रैकिश वाटर में भी है। अगला पार्ट हम देख लेते हैं और उसको वन बाय वन मैं क्वेश्चन बोलूंगी और उसके बाद उसका आंसर जो है वो भी वन बाय वन आपसे शेयर करूंगी। हाँ जी, अगले पार्ट का जो 33 नंबर पे क्वेश्चन है वो कौन सा है? पैरल बटन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शेल ऑफ। पैरल बटन हम किससे लेते हैं? ए पे बाइवेल्व से, बी मसल से, सी गैस्ट्रोपॉड से, या डी नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन सा है? ए पे जेंट स्क्विड्स, बी पे स्लग, सी पे ऑक्टोपस, डी पे बाइवेल्व। क्वेश्चन नंबर 35, कॉम्प्लेक्स फोटोसेंसरी रिसेप्टर्स आर फाउंड इन। कॉम्प्लेक्स फोटोसेंसरी रिसेप्टर्स आर फाउंड इन। ए गैस्ट्रोपॉड, बी सिफेलोपॉड, सी मसल, डी बाइवेल्व। गैस्ट्रोपॉड, सिफेलोपॉड, मसल्स, या फिर बाइवेल्व।
क्वेश्चन नंबर 36. Radula moves in and out of the mouth due to the sporting cartilage called. Radula move in and out of the mouth due to the sporting cartilage called A. Periodontophore, B. Hypobranchial apparatus, C. Musculature, या D. None of these. आंसर देखते हैं. पैरल बटन जो है बाइवेल्व से बनते हैं. अगर यहाँ पे ऑयस्टर होता तो हम ऑयस्टर पे लगा देते हैं. ऑप्शन ए ठीक है. क्वेश्चन नंबर 34 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज इंटेलिजेंट, ऑक्टोपस है, इसका ऑप्शन सी ठीक है. 35 का, कॉम्प्लेक्स फोटो रिसेप्टर्स जो है, फोटो सेंसरी रिसेप्टर जो है वो सिफेलोपोड, यानी बी ऑप्शन ठीक है. और 36, रेड्यूला मूव इन एंड आउट जो है वो कौन सी कार्टिलेज से करता है, ओडोन्टोफोर, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है ओडोन्टोफोर वो ठीक है. 36 क्वेश्चन हो गए हैं. 37 देखते हैं. इन देयर मोड ऑफ लाइफ एक्शन मोस्टली मोलस्कार, अपने मोड ऑफ एक्शन में मोलस्क ज्यादातर क्या है, क्या ए पे वो फ्री लिविंग है, बी पे सेसाइल है, सी पे पैरासाइट है, या डी पे बॉटम डिवेलर्स है. फ्री लिविंग, सेसाइल, पैरासाइट या फिर बॉटम डिवेलर्स. बहुत इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38, इन स्क्विड एंड ऑक्टोपस मस्क्यूलर मेंटल क्रिएट जेट प्रोपल्शन विच हेल्प इन, इनका ऑक्टोपस और स्क्विड का मस्क्यूलर मेंटल जो है क्या क्रिएट करता है, जेल प्रोपल्शन, और वो किस में हेल्प करता है, ए पे फीडिंग, बी लोकोमोशन, सी कैप्चरिंग ऑफ प्रे, या डी सेंसेशन. क्वेश्चन नंबर 39, द शेल ऑफ मोलस्क सेक्रेटेड बाय मेंटल एंड जनरली कंसिस्ट ऑफ लेयर्स, शेल ऑफ मोलस्क सेक्रेटेड बाय मेंटल एंड जनरली कंसिस्ट ऑफ लेयर्स, ए पे 3, बी 2, सी पे 4 और डी पे 6. क्वेश्चन नंबर 40, पेरियोस्ट्रैकम इज द आउटर ऑर्गेनिक लेयर फॉर्म्ड ऑफ अ सब्सटेंस. पेरियोस्ट्रैकम शेल की सबसे पहली लेयर किससे बनी है, ए पे काइटन, बी सिलिका, सी कैल्शियम कार्बोनेट, या डी कॉन्चियोलन. काइटन, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट या कॉन्चियोलन. आंसर देखते हैं. मोलस्क का जो मोड ऑफ एक्शन है उनमें ना तो सेसाइल है ज्यादातर, ना पैरासाइट है, ना बॉटम डिवेलर है, तो चूंकि वो बड़े बड़े प्रीडेटर हैं तो फिर ज्यादातर तो फिर वो फ्री लिविंग ही है. तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था. 38 का, स्क्विड और ऑक्टोपस में जो जेट प्रोपल्शन है या बाकियों में भी जो जेट प्रोपल्शन है, या अगर हम और हट के बात करें, जो पीछे हम जेली फिश की बात करते थे सेलेंट्रेटा की, वो भी उसकी जेट प्रोपल्शन देती है. तो ये जब भी जेट प्रोपल्शन का वर्ड यूज करें, द फुट ऑफ सम गैस्ट्रोपोड इज मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग, तो स्विमिंग में अमूमन ये जो डीप वाटर होता है उसमें ये स्विम करते हैं. और जो नाम से ही जाहिर है सी हेयर्स, तो सी हेयर जो है ये अपने फुट को जो है पैडल की तरह ये मारता है और स्विमिंग करता है, तो ऑप्शन इसका आएगा सी हेयर. अगली स्लाइड देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 45 द ऑफ प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड हेल्प टू डिटेक्ट प्रे, कौन सी चीज है जो प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड की हेल्प करती है प्रे को डिटेक्ट करने के लिए? ए पे आईज, बी पे सेंसरी टेंटकल्स, सी ऑस्प्रेडिया या डी ऑल ऑफ दीज? आईज, सेंसरी टेंटकल्स, ऑस्प्रेडिया, ऑल ऑफ दीज डिटेक्शन के लिए, प्रे को डिटेक्ट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 46, मेंबर ऑफ द क्लास आर कॉल्ड टूथ शेल्स, इनको हम टूथ शेल भी बोलते हैं, कौन सी क्लास के मेंबर हैं जिनको टूथ शेल कहेंगे? ए पे है स्कैफोपोडा, बी पे सिफेलोपोडा, सी ए प्लेकोफोरा और डी पे मोनोप्लेकोफोरा. क्वेश्चन नंबर 46 का फिर देख लें. स्कैफोपोडा ए पे, बी पे स्पेलोपोडा, सी पे प्लेकोफोरा, डी पे मोनोप्लेकोफोरा, किन को हम टूथ शेल्ड कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 47, द ओनली लिविंग स्पेलोपोड दैट पोजेसिज एन एक्सटर्नल शेल इज द, कौन सा सिफेलोपोड है? वो एक ही है जो शेल रखता है. ए पे ऑक्टोपस, बी पे स्क्विड, सी पे कटलफिश, डी नॉटिलस. और क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिमिटिव क्लास ऑफ मोलस्क, Which of the following is most primitive class of mollusk? A पे कार्डोफोवेटा, B मोनोप्लेकोफोरा, C सोलेनोगैस्टर या D पे पॉलीप्लेकोफोरा. कार्डोफोवेटा, मोनोप्लेकोफोरा, सोलेनोगैस्टर या पॉलीप्लेकोफोरा. आंसर देखते हैं. 45 का प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड्स है वो किससे डिटेक्ट करते हैं, इसमें डिटेक्शन का है. देखते हैं सेंसरी इसका ऑर्गन, वो ऑप्शन सी है, ऑस्फ्रेडिया है. सेंसरी टेंटिकल जो है वो और काम के लिए है, तो ये सी जो है इसका ऑप्शन है. और मेंबर ऑफ द क्लास आर कॉल्ड टूथ शेल, या इनको ट्यूब शेल भी बोलते हैं, तो वो है कौन से हैं जी? स्कैफोपोडा, जिसको मैंने आप लोगों से कहा था कि कुकम्बर टाइप इनकी शेप भी होती है, और ये इनको ट्यूब शेल भी बोलते हैं, ट्यूब नुमा ये लग रहे होते हैं, लेकिन टूथ शेल भी इनको कहते हैं, तो ए ऑप्शन. और 47 का जो है लिविंग सिफेलोपोड, जो सिर्फ एक ही है सिफेलोपोड जो कि शेल रखता है, बाकी कोई भी नहीं रखते, तो नॉटिलस आएगा, डी ऑप्शन. और 48 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है, सॉरी मोस्ट प्रिमिटिव यहाँ पे वर्ड है, मैंने पीछे भी पूछा है मोस्ट प्रिमिटिव जो है वो कौन सा है, वो कार्डोफोवेटा. तो मोस्ट प्रिमिटिव कौन सा आएगा? कार्डोफोवेटा. और 49 जो है क्वेश्चन, उसको देखें जरा. लेडर लाइक नर्वस सिस्टम विथ 10 पेयर ऑफ पैडल नर्व्स इज प्रेजेंट इन, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम विथ 10 पेयर ऑफ पैडल नर्व्स इज प्रेजेंट इन ए मोनोप्लेकोफोरा, बी सोलेनोगैस्टर, सी पॉलीप्लेकोफोरा, डी कार्डोफोवेटा. मोनोप्लेकोफोरा, सोलेनोगैस्टर, पॉलीप्लेकोफोरा, डी पे कार्डोफोवेटा. और 50 जो लास्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल एक्सिस ऑफ शेल ऑफ गैस्ट्रोपोड इज कॉल्ड हैव लार्ज वॉल्स एंड स्पाइरल्स, जो सबसे बड़ा इसका जो शेल का जो सेंट्रल एक्सिस है शेल का वो कौन सा है? ए पे कॉलमेला, बी अपरक्यूलम,
सी एपर्चर या डी पे सिनिस्ट्रल कॉलमेला अपरक्यूलम एपर्चर सिनिस्ट्रल इन दोनों के आंसर देखते हैं. लेडर लाइक नर्वस सिस्टम जो है पेडल नर्व के साथ मोनोप्लेकोफोरा में है, ए ऑप्शन ठीक है. और सेंट्रल एक्सिस जो है वो उसका पहला ऑप्शन जो है कॉलम कॉलमेला, तो ये ठीक है. आपने काउंट करें अपने आंसर और हमें साथ साथ बताते रहें कि आपके कितने आंसर ठीक हैं, और साथ ये भी बताएं कि पहले से आपने कितना इम्प्रूव किया है, क्या आपके पिछले जो है टेस्ट से ज़्यादा मार्क्स आए हैं या उससे जो है वो कम मार्क्स आए हैं, या टेस्ट कैसा था, ये टफ था, कंफ्यूजिंग था, आसान था, तो ये हमारे साथ जो है वो शेयर करते रहें. और लाइक करने में जो है ना वो कंजूसी मत दिखाएं, हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों का ये टेस्ट बनाते हैं, आप लोग साथ हमारे रहें. और जो है नेक्स्ट जो है जो जो भी टेस्ट होंगे उनमें इससे भी ज़्यादा सीरियस होके और अच्छे तरीके से आपने तैयारी करनी है. बेस्ट ऑफ लक.